नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई से रिलेटेड, दुबई लेबर लॉ। अब लेबर लॉ का मतलब आल कैटेगरी के लेबर जॉब की मैं बात करूंगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, या खास तौर से जो इंडिया से कहीं से भी अगर आप पहली बार दुबई जा रहे हैं या फिर वहां पे काम भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आपके सिस्टम का नहीं पता कि आपको ड्यूटी कितने घंटे होनी चाहिए, ओवर टाइम कितने घंटे लगना चाहिए। अगर ओवर टाइम लगता है, दिन में लगता है, तो कितना आपको ओवर टाइम मिलना, उसका आपका जो सैलरी है वो कितने प्रतिशत एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। नाइट में अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो उसका कितना चार्ज एक्स्ट्रा आपको मिलना चाहिए, या फिर छुट्टी का टाइमिंग क्या होना चाहिए। इन सब पर डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज वे से रिलेटेड नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। दुबई लेबर लॉ में फिक्स किया गया पहले से, वर्कर से आप इतने घंटे ड्यूटी करवाओगे, इतना ओवर टाइम मिलेगा तो इतना उसका देना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप छुट्टी के दिन काम करवाओगे तो इतना मिलेगा, वगैरह वगैरह सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। लेकिन मुझे लगता है खास तौर से ब्लू कॉलर जॉब है उनका कंपनियां शोषण करती हैं, जहां तक लगता है, क्योंकि लगभग कैटेगरी अनपढ़ की होती है, नहीं पता होता है कितनी तनख्वाह मिलनी है क्या। एक बार उनको फिक्स हो गया ₹1000 मिलने हैं, तो उनको 8 घंटे ड्यूटी कराओ, 9 घंटे कराओ, उनको इतना नहीं होता। सेकंड, आप यहाँ पे ये भी बताएंगे कि भाई कौन से क्षेत्रों में ओवर टाइम मान्य नहीं होता है, ठीक है, कौन से क्षेत्रों में ड्यूटी एक घंटे बढ़ाई जा सकती है मौर्य के लेबर लॉ के अनुसार। वे का जो श्रम लेबर लॉ है, आपको पता है भाई, मैं बता दूं, एक्ट 65, ठीक है, यानी धारा 65 में ये साफ साफ प्रावधान किया गया है। जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं, यानी लगभग आप निजी हो भाई, 99% लोग निजी हैं, प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में, ऑफिस में, ड्राइवर में, या फिर घरेलू जॉब में, एक्स वाई जेड, टोटल निजी हैं, उनको 8 घंटे काम करना होता है, ठीक है, और सप्ते में 48 आवर्स आपकी ड्यूटी होती है, एक आपकी आपको छुट्टी मिल जाती है सप्ते में, 26 दिन आपको काम करना होता है। सार्वजनिक कर्मचारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनको बोल सकते हैं, उनको 7 घंटे की ड्यूटी होती है, बाकी सेम ही होता है। आगे बताया गया कि भाई मौर्य के अनुसार एक रिक्वेस्टेड पे सिस्टम को बनाया गया कि जो होटल में, रेस्टोरेंट में, बार में, इन जैसी चीजों में काम करते हैं, उनको रिक्वेस्ट के आधार पे 9 घंटे ड्यूटी बताई गई कि 9 घंटे तक उनको ड्यूटी करनी पड़ सकती है। बाकी आप सबको पता है इन क्षेत्रों में 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे तक लोग ड्यूटी करते हैं। ताकि यहाँ पे बताया गया जो वरिष्ठ पद है, यहाँ पे बड़े उच्च पद हैं, उनको यहाँ पे लागू नहीं किया गया। जैसे समुद्र में बहुत सारे ऐसे जॉब हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट डिप्लॉय में बड़े पद हैं, उनका ओवरटाइम नहीं होता भाई, उनका काम होता है वो 24 घंटे का होता है, वो ओवरटाइम में शामिल नहीं किया गया। जी, ये कानून 72 एक्ट में ये बताया गया है। जो बड़े अलग पद हैं, समुद्र के हो गए, समुद्र में जो मतलब नाइट में डे में काम करते हैं भाई, उनका ओवरटाइम वगैरह उनका कोई फिक्स नहीं होता, वो कभी भी जितनी ड्यूटी है उतनी उनको करनी होती। ड्राइवर की मान लीजिए, ड्राइवर की क्या ड्यूटी होगी भाई, 8 घंटे हैं, 8 घंटे तो वो थोड़ी है कैसे चलेगा, उनका तो कभी नाइट में आ जाता है, कभी डे में आ जाता है। अब वहां से दुबई से अबू धाबी में मान लीजिए ज्यादा टाइम लगता है, या दूसरी कंट्री जाना है, तो ये नहीं कि भाई मेरा 8 घंटे हो गया मैं अभी छोड़ूंगा, या ऐसा नहीं होता, उनका ओवर टाइम मान्य नहीं करना होता, वो तो सेम इंडिया जैसा ही है। आगे इसमें बता दूं, दुबई लेबर लॉ में एक बात और क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये घुसती है कि मान लीजिए आप रहते हैं बुर दुबई, अबू धाबी या कहीं भी शारजा वगैरह में, वहां से जहां आपका कैंप है वहां से कंपनी की साइड पे जाने में 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा कई बार लग जाता है लंबी साइड में, ठीक है, और 1 घंटा 2 घंटा आने का वही टाइम सेम जाने का, तो कितना टाइम हो गया जी। तो माइंड में कई बार हो जाती है जी हमारी तो 12 घंटे ड्यूटी हो गई, वो 12 घंटे ड्यूटी नहीं है, वो आपका कैलकुलेशन उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, वो आपकी एक्स्ट्रा में होगी। आपको पता है वे में रहते हैं 4 बजे उठते हैं, सुबह 7 बजे साइड पे पहुंचना होता है, लेकिन वो 3 घंटे कहाँ गए, वो आपके हैं, वो कंपनी में नहीं है, वो आपको अपनी तरफ से खर्च करने होंगे एक्स्ट्रा। ड्यूटी तो आप 8 घंटे करोगे वही मान्य होगी, और उसमें भी आगे हम बात करेंगे। काम के दौरान आपको एक आराम की जरूरत होती है, जिसको बोल देते हैं रेस्ट टाइम, वो उनका क्या होता है, हर 5 घंटे बाद में आप स्टॉप हो सकते हैं। जैसे सुबह 7 बजे ड्यूटी करी तो 11-12 बजे तक आप उनको लंच का टाइम हो गया, या फिर आप अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, अपना नमाज पढ़ सकते हैं, आप अपनी कुछ भी धार्मिक क्रिया कर सकते हैं, या खाना खा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो ब्रेक आप ले रहे हो 1 घंटे का, वो काम को जो आपका जो जॉब का टाइम है 8 घंटे का, उसमें वो मान्य नहीं होगा। ये नहीं कि भाई आप 8 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटे रेस्ट हो गए, 7 घंटे काम करो, नहीं जी, वो 9 घंटे हो जाएंगे आपका। 8 घंटे ड्यूटी प्लस 1 घंटा आपने ब्रेक लिया तो आपका एक्स्ट्रा 1 घंटा जुड़ जाएगा, 9 घंटे आपका पूरा वहां साइड पे बिताना होगा। आगे बता दूं, दुबई लेबर लॉ 19 धारा 65 के अनुसार ये बताया गया, रमजान के दिनों में, 1 महीने का रमजान का महीना आता है, आपको बताइए
उस दिन लगभग लोगों को पता होगा, नहीं पता तो भाई देख लेना। आपकी जैसे 8 घंटे ड्यूटी है तो 6 घंटे में आपको कंपनी को फ्री करना होगा, कंपनी आपको 6 घंटे ड्यूटी करवा सकती है, सैलरी आपकी पूरी मिलेगी 8 घंटे की, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। 2 घंटे आपके कम हो जाते हैं, 6 घंटे में 8 घंटे आपके भरपाई हो गई, और फ्राइडे को आपके पता ही छुट्टी होती है। अब आप बात कर लेते हैं ओवर टाइम की। ओवर टाइम का क्या प्रोसेस होता है भाई, ओवर टाइम के मामले में लोग मार खा जाते हैं। ओवर टाइम की बता दूं, जो आपकी सैलरी है, आप मान लीजिए 2 घंटे 3 घंटे ओवर टाइम कर रहे हो, उसका हक ये बनता है दुबई लेबर लॉ में कि भाई आपको 25% एक्स्ट्रा मिलेगा, समझ गए। जैसे आपकी एग्जांपल के तौर पे 1000 सैलरी है तो 25% कितना हो गया जी, 250 दराम आपको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। ये गणित सीधी सीधी बताई गई है, लेकिन इसमें कंपनियां गड़बड़ करती हैं, 100% सत्य बात है। और हम बात कर ले नाइट में अगर आप ओवरटाइम करते हो उसका क्या चक्कर है भी? नाइट में ओवरटाइम करने का मतलब डबल नुकसान है, एक तो नाइट में काम कर रहे हो आप नींद निकाल के, ठीक है, नाइट में ओवर टाइम करते हो तो उसकी सैलरी आपको ज्यादा मिलनी चाहिए। तो इसका यहाँ पे बताया गया है कि भाई अगर आप नाइट में काम ओवर टाइम करते हो, रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक के बीच में, या नाइट में पूरी आप मान सकते हैं, तो उसमें आपको सैलरी का जो है वो 50% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। यानी आपकी 1000 दराम सैलरी है तो आपको महीने का, आप रेगुलर अगर ये ओवर टाइम कर रहे हो तो आपको 1500 रुपए सैलरी मिलनी चाहिए, ये प्रावधान इसमें किया गया है। अब बात वहीं आ जाती है, उच्च रैंक वाले अधिकारियों पे ये लागू नहीं होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बड़े जो अधिकारी रैंक का काम होता है ना, उनमें ये ओवर टाइम का चक्कर नहीं रहता है। मध्य अवकाश की बात करें, यानी आपकी छुट्टी, जी हाँ साथियों, बीच में आपको पता है लंबा टाइम होता है, सुबह 7 बजे लग गए 5 बजे तक काम कर रहे हो, तो उसके बीच में छुट्टी का क्या माजरा है? ओरे के अनुसार गर्मियों के दिनों में, जी हाँ साथियों, गर्मी भयंकर होती है ना, गर्मी आमतौर पर जून से लेकर सितंबर के बीच में भयंकर गर्मी पड़ती है, तो उस दौरान आपको देखना होता है कि 12:30 बजे से 3 बजे तक के बीच में कंपनी आपको बाहरी क्षेत्र जो खुले आसमान के नीचे काम करते हैं उनको काम नहीं करवाया जा सकता। भाई एसी में कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया जो आसमान के नीचे कंस्ट्रक्शन लाइन का खास तौर से काम है, रोड लाइन का, रेलवे लाइन का, या फिर आप और काम कर रहे हो आसमान धूप वाला काम, उसमें 12:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक आप काम नहीं कर सकते, कंपनी काम नहीं करवा सकती आपसे। साथियों मेरे हिसाब से आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें उन लोगों को भी जिनको इन चीजों का पता नहीं है, ताकि उनको भी थोड़ी समझ आ जाए, कंपनी का शोषण होने से बच सके। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।